रमजान और मुबारक शुरू होते ही मसनू महंगाई का तूफान उमड़ आया। मुतवस्त और सफेद पोश तबका सिर्फ कीमतों का सुनकर बिना कुछ लिए वापस जाने लगा। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि मंडी में खरीदार तो हैं, लेकिन हर कोई महंगाई का सुनकर रो रहा है और अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। जिला इंतजामिया भी इन मुनाफा खोरों का सदेबाब करने में नाकाम हो गयी है। डीसी जेहलम कहते हैं की कल की तरह जब भी रमजान और मुबारक आता है तो पहले तो थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है हर चीज़ की, और जब डिमांड बढ़ जाए और थोड़ी सप्लाई कम हो तो चीज़ें नेचुरली उसकी प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग जो हैं वो नोटिफाइड जो गवर्नमेंट की प्राइस है उससे ज़्यादा चार्ज करें। उसके लिए प्राइस मजिस्ट्रेट्स को मैंने एक्टिवेट कर दिया है, आज सारे ट्रेडर्स को मैंने बुलाया हुआ है 1 बजे, और उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस होंगी और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस है उस पर पूरे रमज़ान पर हम अमल करें। शहरियों ने जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी से सब्जियों और फलों की कीमतों को कम कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। नजफ शहजाद, स्काई न्यूज, जेहलम। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए skynews.com.pk।